हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच मेरी इमरामा फैमिली का पार्ट बनने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of July टू 10th of August। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। क्या जनरल मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। क्या जनरल मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो स्कॉर्पियो देखिए, क्योंकि टैरो डेक्स है हमारे पास, टू ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो एयर साइन काफी सिग्निफिकेंट है आपकी नेक्स्ट 15 डेज में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अपना बर्थ चार्ट चेक करिएगा, हो सकता है उसमें आपका मून साइन हो या कोई और कहीं और पे सिग्निफिकेंट हो, फायर एंड अर्थ। बट टू ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि नेक्स्ट 15 डेज में ना आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है चॉइसेस के बीच में, ऑप्शंस के बीच में। कोई दो चीज़ें हों आपके पास सामने टेबल पे और आपको उन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज करनी हो, या फिर ऑप्शंस या चॉइसेस ना हो बट कोई एक चीज़ हो और आपको कन्फ्यूजन ये हो कि ये एक चीज़ के संग मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक होता है कि दो जॉब ऑप्शंस हैं, दो जॉब ऑफर हैं, तो ए को चूज करें या बी को चूज करें। एक होता है कि एक ही जॉब ऑफर है बट अपनी जॉब को चेंज करके वो जॉब पे जाएं या नहीं जाएं, तो वैसी वाली कन्फ्यूजन दिख रही है मुझे नेक्स्ट 15 डेज के लिए। अब हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स हमें बताता है कि थोड़ा सा ना आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ में, या तो ये डिसीजन लेने में आप जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर क्योंकि काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं आप नेक्स्ट 15 डेज के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हो आप, कोई एक चीज़ नहीं है, हो सकता है प्रोफेशनली भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हो, पर्सनली भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हो, तो थोड़ी जल्दबाजी मची हुई है नेक्स्ट 15 डेज में। थोड़ा हॉच पॉच तो नहीं बोलूँगी मैं, बट काफ़ी स्पीड से सारी चीज़ें हो रही हैं और प्रोसेस करने का थोड़ा आप टाइम कम ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वाइब यही आ रही है कि प्रोसेस करने का टाइम थोड़ा कम ले रहे हैं, या फिर हो सकता है दूसरी पार्टी की तरफ से आपको प्रोसेस करने का टाइम दिया नहीं जा रहा है ज़्यादा, आपको बोला जा रहा है कि जल्दी करो, जल्दी दो, जल्दी सोचो, जल्दी रिप्लाई चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम नहीं दे सकते इतना टाइम आपको, वैसी सी कोई चीज़ वाइब आ रही है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, तो देखिए काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है, आप या आपके पार्टनर हो सकता है प्रेग्नेंट हो जाएं, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बट प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अगर उसको साइड रखें तो थोड़ा सा ना यहाँ पे मदरली इंस्टिंक्ट हो सकता है आपकी जागे, जो एक नर्चरिंग वाली जो वाइब होती है ना, ध्यान रखना दूसरे का, थोड़ा घरेलू बन जाना, घर का ध्यान रखना, अपने पार्टनर का ध्यान रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, वैसी वाली वाइब आ रही है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, घर में क्या चीज़ सही रहेगी, क्या चीज़ नहीं सही रहेगी, ये जो मेरा नया जॉब ऑफर है, अगर जॉब ऑफर है वो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन दिख रही है, चॉइसेस दिख रही है, तो अगर वो ऑप्शंस में से आपको कुछ चूज भी करना है तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि इवन दो मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उस बी ऑप्शन में, बट वो बहुत दूर है, वो मुझे 2.5 घंटा या 2 घंटा लगेगा वन वे जाने में, तो देर इज़ नो पॉइंट, और मुझे घर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप थोड़ा प्रैक्टिकल और होमली और मदरली वाली साइड भी आ रही है, तो आप थोड़ा सा डिसीजन जो है आप उस बेस पे ले रहे हैं, घर का ध्यान रखकर, अपने पार्टनर का ध्यान रखकर, अपने बच्चों का ध्यान रखकर, थोड़ा वैसी वाली वाइब आ रही है यहाँ पर। देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है स्कॉर्पियो के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। देखिए प्रैक्टिकल तो आप हो रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए, बट एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि किसी भी चीज़ में ना फिट इन होने की कोशिश मत करें, जस्ट बिकॉज आपको वो चीज़ चाहिए थी और आपको वो चीज़ मिल रही है, बट उसके लिए आपको कई चीज़ गिव अप करनी पड़ रही है, अपना हो सकता है अपना थॉट प्रोसेस, अपनी इंडिविजुअलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी का पार्ट है वो अगर आपको गिव अप करना पड़ रहा है उस चीज़ को पाने के लिए, तो डू नॉट लोअर योर स्टैंडर्ड्स। आपको
ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये जो आपको लोग जल्दबाजी मचा रहे हैं आपको जवाब देने के लिए, काम करने के लिए, वॉट एवर इट इज़, उसमें ना आप फंसिएगा मत, वो ट्रैप में फंसिएगा मत, टेम्प्टेड मत होइएगा वो चीज़ करने के लिए जो आपको लगता है सही नहीं है, या जो आपका काम करने का तरीका है वही फॉलो करिएगा। स्कॉर्पियो स्टार गारंटीड सक्सेस। देखिए स्टार का दो तीन मतलब होते हैं, एक तो विश फुलफिलमेंट भी होता है वो हम सबको पता है, दूसरा है यहाँ पे गारंटीड सक्सेस, चीज़ें आपको अपने तरीके से जब आप करेंगे तब मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे, दूसरों की जल्दबाजी मचाने पे अपने डिसीजंस और अपने काम करने का तरीका चेंज नहीं करेंगे, अगर आप ल्योर नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं दूसरों के ट्रैप में जो वो टेम्प्ट कर रहे होंगे आपको करने के लिए, फंसाने के लिए, अगर आप उसमें नहीं फंसेंगे तो गारंटेड सक्सेस है नेक्स्ट 15 डेज में। स्कॉर्पियो क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। अब देखिए स्कॉर्पियो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ना आप डिससैटिस्फाइड भी हो सकते हो नेक्स्ट 15 डेज में अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप अपना अच्छा वाला ऑप्शन शायद आपको लेट गो करना पड़े अपने घर की वजह से, क्योंकि आपने अपने घर को प्रायोरिटी दी हुई है, बट साइमल्टेनियसली आपको अपने दिमाग में ये भी लगे कि अरे यार मेरी एज ये हो गई है और आई नो मेरी प्रायोरिटी मेरा घर है, बट मैंने सोचा था क्या होगा और मैं सोच मतलब आ कहाँ गया हूँ, मैं हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैंने तो ये नहीं सोचा था, ये तो मुझे नहीं चाहिए था। तो हो सकता है थोड़े से उस लूप में आप फंस जाओ नेक्स्ट 15 डेज में, एंड इट्स ओके। कई बार ऐसी चीज़ें सोचना कि अरे यार मैंने कुछ और सोचा था, हो कुछ और रहा है, इट्स ओके। ऐसा कुछ बुरा नहीं है अगर आप अपनी लाइफ से फुल्ली सैटिस्फाइड नहीं है तो, कई बार ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन ये सोचना चलता रहता है, तो थोड़े से आप डिससैटिस्फाइड होंगे बट आई थिंक वो बहुत ही टेम्प्रेरी होगा एंड आप उस चीज़ से खुद ही बाहर आ जाएंगे, तो वो इतना कोई बहुत टेंशन लेने वाला कोई एज सच कार्ड है नहीं यहाँ पर। एस्ट्रल हाउस से देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ बट उस डिससैटिस्फैक्शन को ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा कि ओ हो क्या सोचा था और क्या हो गया, एंड यू नो लाइक उसी लूप में फंस मत जाइएगा। ठीक है थोड़ा सा डिप आता है बट फिर वो वापस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वापस उठ जाएंगे ऊपर, बट हाँ थोड़ा सा है वो चीज़। एस्ट्रल हाउस से क्या है नेक्स्ट 15 डेज के लिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो मैरिज। देखिए स्कॉर्पियो हो सकता है आप में से कई लोगों की मैरिज हो रही हो, अगर होने वाली हो नेक्स्ट 15 डेज में, या फिर कोई बात चल रही हो मैरिज की, किसी से आप मिल रहे हो, कोई अरेंज मैरिज हो रही हो, किसी से कोई आप कोर्टशिप पीरियड में हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैंने आपको बताया आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, वो अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से ध्यान रखिएगा आपको होना है या नहीं होना। हो सकता है आपके मैरिज में ही दो ऑप्शंस हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो किसको हाँ बोले किसको ना बोले, या दोनों ही नहीं पसंद आ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने तो सोचा था कुछ और, यहाँ पे शादी की बात चल रही है, वैसी वाली चीज़ भी हो सकती है। बट मैरिज से रिलेटेड भी नेक्स्ट 15 डेज में कुछ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कोई डेवलपमेंट। देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है यूनिवर्स स्कॉर्पियो के लिए नेक्स्ट 15 डेज। हमारे पास है लेटर बी। लेटर बी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेटर क्यू सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमारे पास है स्कूल, तो हो सकता है कोई स्कूल का कोई इंसान हो जिससे आपकी मैरिज होने वाली हो, या जिससे आप वापस टच में आ रहे हो, कोई बात हो सकती है। अगर मैरिज रिलेटेड नहीं तो शायद नॉर्मली आप किसी स्कूल के कोई टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट, कॉलेज वाले से किसी से वापस इंटरेक्शन स्टार्ट करें। हमारे पास है ट्री ऑफ लाइफ, तो ग्रोथ काफ़ी दिख रही है मुझे। अब वो ग्रोथ आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, आपके पर्सनल फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बढ़ती हुई दिख रही है, प्रेगनेंसी दिख रही है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी ग्रोथ हो सकती है। हमारे पास है वाइन, सेलिब्रेशन हो सकती है, अगर किसी की शादी पक्की हुई है, रोका हुआ है, या कुछ भी वैसा कोई चीज़ हुई है तो सेलिब्रेशन हो सकती है यहाँ पर। मेरे पास है फिश, तो किसी को सी फूड पसंद हो सकता है, फिश काफ़ी पसंद हो सकती है आपको, आपके पार्टनर को,
सिर्फ फिश ना सही बट कोई हो सकता है आप किसी वाटर वाली बीच वाली जगह पे रहते हो या घूमने जा रहे हो. मैं मंथ वाला कार्ड निकालना भूल गई थी तो वो भी एक निकाल लेते हैं, देख लेते हैं मंथ कौन सा सिग्निफिकेंट है फॉर स्कॉर्पियो. यूनिवर्स प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो के लिए कौन सा मंथ सिग्निफिकेंट होने वाला है या हो चुका है. जून. तो स्कॉर्पियो देखिए जून मंथ आपके लिए हो सकता है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा हो आपके काम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से. हो सकता है आपका किसी के साथ रोका हुआ हो या कोई बात स्टार्ट हुई हो जून में, कोई जॉब ऑफर, कोई इंटरव्यू. बट जून मंथ काफ़ी सिग्निफिकेंट रह चुका है आपकी लाइफ में, लास्ट जून जो अभी गया है. बट मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई स्कॉर्पियो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का. थैंक यू, बाय.